गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज़ योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड टुडे वी विल डू द चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेंटेंसेस. ओके, तो आज जो है हम इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो क्या है, सेंटेंस है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है चैप्टर नंबर 1, सेंटेंसेस. ओके, सेंटेंस का क्या मतलब होता है, वाक्य. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ अ सेंटेंस. फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होते हैं. सेकंड, हाउ डू वी फॉर्म सेंटेंसेस, मींस हम सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं. थर्ड, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मींस सेंटेंसेस के कौन कौन से टाइप होते हैं. ओके, सो फर्स्ट नंबर है पार्ट ए, अरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस, मींस इन वर्ड्स को अरेंज करना है सेंटेंस बनाने के लिए. बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप. तो हमें इसको कैसे, जो स्टार्ट करना है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है और एंड जो है फुल स्टॉप से करना है. एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे द कैट रेड द कॉट. तो हमें क्या इसमें फिल करना है, द कैट कॉट द रैट. ओके, सो फर्स्ट है हमारा प्ले बैडमिंटन आई. ओके, तो इसको हमने रीअरेंज करके, तो प्ले बैडमिंटन आई जो है एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है. तो हमें जो है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं, तो इसको हम रीअरेंज करके क्या बना देंगे, आई प्ले बैडमिंटन मीन्स मैं बैडमिंटन खेलता हूँ. ओके, तो हमें यहाँ पे ये करना है और लास्ट में आपको यहाँ पे ये वाला फुल स्टॉप लगाना नहीं बोलना है. ओके, एंड फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. सेकंड, फुल द फ्रूट्स ऑफ बास्केट इज, तो इसको हम किस तरीके से रीअरेंज करके बना देंगे, द बास्केट इज फुल ऑफ फ्रूट्स मीन टोकरी फलों से भरी है. थर्ड, मंकी द इज ट्री ऑन द, तो ये कोई सेंटेंस नहीं है मीनिंगफुल, तो हमें इसको रीअरेंज करके हमने क्या बना दिया, द मंकी इज ऑन द ट्री मीन्स बंदर पेड़ पे है. फोर्थ, सिंग दे टुगेदर, तो ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, सॉरी सेंटेंस नहीं है, तो हम जो है इसको रीअरेंज करके क्या हमने बना दिया, दे सिंग टुगेदर मीन्स वे एक साथ गाते हैं. फिफ्थ, ले पेंगुइन्स एग्स, तो इसको रीअरेंज कर हमने रीअरेंज करके क्या बनाया, पेंगुइन्स ले एग्स मीन्स पेंगुइन अंडे देते हैं. अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट भी कर लेंगे. फाइव तक हो गए हैं. सिक्स्थ, अभी हमारा सिक्स्थ, हमने ये वाले तक कर लिया था ना, अभी हम सिक्स्थ करेंगे. इट सनी इज डे अ, तो इसको हमने रीअरेंज करके क्या बना लेंगे, इट इज़ अ सनी डे मीन्स यह एक धूप वाला दिन है. सेवन्थ, टू राम टीम वेंट प्ले विद द, तो इसको हम रीअरेंज करके क्या बनाया है, राम वेंट टू प्ले विद द टीम, राम टीम के साथ खेलने गया. एट्थ, रोशन अरुण वेटिंग वॉज फोर, ये कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो हम इसको रीअरेंज करके क्या बनाएंगे, अरुण वॉज वेटिंग फॉर रोशन मीन्स अरुण रोशन का इंतजार कर रहा था. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि सेंटेंस क्या होते हैं. सेंटेंस जो है अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होते हैं. ओके, देख सकते हो आप, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग. ओके, जो सेंटेंस होते हैं वाक्य, वो वर्ड्स का ग्रुप होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं, मीन्स वर्ड्स ऑफ ग्रुप होते हैं जिनका कोई मीनिंग होता है. ओके, मतलब जो हमें एक पूरा उस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग देते हैं, मतलब देते हैं. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और हमेशा जो भी सेंटेंस होता है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड किससे होता है, फुल स्टॉप से.
तो अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, मोती रैन अराउंड द बॉयज़। तो आप देख सकते हो मोती में एम जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप भी है बॉयज़ के बाद, तो ये एक कंप्लीट वर्ड सेंटेंस है। ओके, सेकेंड, शी हैज़ गोन टू द म्यूजियम टू व्यू द एग्जिबिटेड पीसेस। ओके, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो अभी हम करेंगे पार्ट बी, यूज़ द वर्ड्स और फेरास फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। जो आपको हमें अभी ये बॉक्स में ये वाले दे रखे हैं वर्ड्स, इनको यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं, जो कोई कंप्लीट सेंटेंस बनाने हैं जिनका कोई मतलब हो। ओके, तो हम देख लेते हैं पहले क्या क्या दे रखा है। इन द बॉक्स, सिट टुगेदर, पेन एंड बुक, मेड ऑफ वुड, एट केक्स, फॉर स्कूल, विद द बॉल, ऑन द ग्राउंड, फ्लाइटलेस बर्ड्स, डांस्ड ग्रेसफुली। ओके, तो अभी हम इसका फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा इन द बॉक्स। ओके, ये वाला इन द बॉक्स, तो इसको हम क्या, इसको हमने क्या बनाया फर्स्ट वाले में, शी रैटल्ड सम कॉइन्स इन द बॉक्स, मीन्स उसने बॉक्स में कुछ सिक्के बिखेर दिए। तो हमें इस तरीके से इन द बॉक्स, तो इसमें आप देख सकते हो ये वाला इन द बॉक्स आ रहा है ना, तो हमें उन वर्ड्स दो दे रखे हैं उनको सेंटेंस में यूज़ करना है, जो भी हमें सेंटेंस बनाना है उसमें वो वर्ड आने चाहिए। ओके, तो हमने फर्स्ट का बना दिया शी रैटल्ड सम कॉइन्स इन द बॉक्स। सेकेंड था हमारा सिट टुगेदर। ओके, तो हम देखते हैं सिट टुगेदर का सेकेंड, दे सिट टुगेदर एट लंच, मीन्स वे दोपहर के भोजन पे एक साथ बैठते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया ये वाला सिट टुगेदर आ गया ना सेंटेंस में। नेक्स्ट करेंगे पेन एंड बुक। ओके, थर्ड, अ पेन एंड बुक आर ऑन द टेबल, मीन्स एक पेन और बुक जो है, मीन्स एक कलम और किताब मेज पे है। सो उसमें क्या था, पेन एंड बुक, तो ये हमारा सेंटेंस में आ गया पेन एंड बुक। नेक्स्ट, मेड ऑफ वुड। ओके, मेड ऑफ वुड का देखते हैं हम फोर्थ, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, मीन्स यह टेबल किससे बनी है, लकड़ी, या टेबल लकड़ी से बना है। ओके, तो ये क्या था, इसमें क्या था हमारा मेड ऑफ वुड। ओके, नेक्स्ट है हमारा एट केक्स, तो इसका हमने क्या बनाया फिफ्थ वाला, शी एट केक्स। ओके, मीन्स उसने केक खाया, तो इसमें हमारा आ गया ना सेंटेंस में एट केक्स। नेक्स्ट है हमारा फोर स्कूल। ओके, फोर स्कूल को हम करेंगे सिक्स, आई एम लेट फॉर स्कूल, तो इसका क्या होगा, मुझे विद्यालय के लिए देर हो गई फॉर स्कूल। ओके, इसमें आ गया ना फॉर स्कूल, तो हमें ये वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं जिनका कोई कंप्लीट मीनिंग हो। नेक्स्ट है विद द बॉल, इसको हमने सावंत को बनाया, दे आर प्लेइंग विद द बॉल, मीन्स वे गेंद से खेल रहे हैं, तो इसमें आ गया ना विद द बॉल। नेक्स्ट है हमारा ऑन द ग्राउंड, ये वाला। ओके, इसको हमने कैसे बनाया एट्थ, द डॉग वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड। ओके, तो मीन्स कुत्ता जमीन पर पड़ा था। ओके, तो इसको ऑन द ग्राउंड आ गया इसमें सेंटेंस में। नेक्स्ट है हमारा फ्लाइटलेस बर्ड्स। ओके, तो इसको हमने क्या कह दिया नाइन, द ऑस्ट्रिच इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड, मीन्स जो ऑस्ट्रिच होता है शतुरमुर्ग, वो एक उड़ान रहित पंछी है। तो यहाँ पे आ गया ना इस पूरे सेंटेंस में ये वर्ड फ्लाइटलेस बर्ड। नेक्स्ट है हमारा लास्ट,
डांस्ड ग्रेसफुली, ओके, तो इसको हमने बनाया। टेंथ, शी सैंग एंड डांस्ड ग्रेसफुली, मीन्स उसने शान से गाया और डांस किया, मीन्स नृत्य किया। तो डांस्ड ग्रेसफुली, तो ये आ गया है आपका सेंटेंस में वो वर्ड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो है पूरे उन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं। तो अभी हम दोबारा से देख लेते हैं सेंटेंस क्या थे। तो सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, मीन जो सेंटेंस जो होते थे वो सेंटेंस क्या है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं, ओके। और हमेशा जो सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं एंड फुल स्टॉप से एंड होते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको ये वर्क जो है इसका पार्ट नंबर ए एंड पार्ट नंबर बी, पार्ट ए एंड पार्ट बी आपको बुक में करना है अपनी, नीट एंड क्लीन, ओके। अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।